अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रिज इंजीनियरिंग का हम आज दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। द टर्म्स दैट आर यूज इन ब्रिज इंजीनियरिंग, दीज आर नेसेसरी टर्म दैट यू हैव टू लर्न अबाउट दीज। सो इसके सीखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रिजेस में हमें जितने उसकी डिफरेंट टर्म्स हैं और उनका इस्तेमाल है, इनकी हेल्प से हम कुछ आगे बढ़ेंगे डिज़ाइनिंग की तरफ और उसके अंडरस्टैंडिंग की तरफ। आपके कोर्सेज में ज़्यादातर ब्रिजेस की अंडरस्टैंडिंग है और जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग भी आपको सीखनी है। उसकी बेस आज का ये लेक्चर ही है। इसको बहुत दिलचस्पी के साथ और केयर के साथ आप इसको सीखने की कोशिश करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم، आज आपका लेक्चर है ब्रिज टर्म्स, यानी वो सारी इस्तलाह जो ब्रिजेस में जरूरत पड़ती है जिनकी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, बल्कि उनमें से अहम अहम। देखिए, सबसे पहले सुपरस्ट्रक्चर, ब्रिज के ऊपर का हिस्सा कहां से, अपार्टमेंट और पैरापेट से ऊपर वाला सारा का सारा हिस्सा जिसमें ट्रांजम भी है, गर्डर्स भी हैं, बीरिंग भी हैं, डेक स्लैब भी है, पैरापेट, ये हिस्सा सुपरस्ट्रक्चर कहलाता है। इसी तरह जो आपके हम देखते हैं, ये आपको मैं दिखाता हूं, सबस्ट्रक्चर्स ब्रिजेस के ट्रांजम या गर्डर से नीचे नीचे, जिसमें शामिल है पियर, अपार्टमेंट और दीवार, ये सारे का सारा हिस्सा सबस्ट्रक्चर्स कहलाता है। एफ्लक्स, ब्रिज के पार जब पानी पहुंचता है तो उसका लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। इस पानी के इंक्रीज को बढ़ोतरी या लेवल में इजाफे को हम एफ्लक्स कहते हैं। स्कर्विंग, जब पानी चलता चलता ब्रिज के करीब आता है तो वेलोसिटी जब तेज होती है तो जमीन से साय को उखाड़ता है ब्रिज से। इसी तरह ब्रिजेस के करीब, पियर के करीब ज्यादा इसमें साय उखाड़ती है, जिसको स्कर्विंग इफेक्ट कहते हैं। यहां ये स्कर्विंग ज्यादा महसूस हो रही है, नजर आ रही है, ये जब हाई फ्लड लेवल गुजरा तो यहां स्कॉलिंग हुई, बेड भी पहले ये था और बाद में ये हो गया, यहां पर ज्यादा स्कॉलिंग का इफेक्ट हुआ। ये हमारे बच्चे गए थे काकपुर के करीब ब्रिज है, तो ये ब्रिज देखे यहां से केड़ा बेड़ा महसूस हो रहा है, ये सेटलमेंट हो गई, इस जगह से स्कॉलिंग बहुत ज्यादा हो, जिसकी वजह से ये इसकी सेटलमेंट हो रही है। इधर और करीब से देखें, ये हिस्सा यहाँ पे ज्यादा, ये जो पोर्शन है ये वेल फाउंडेशन है और ये बहुत स्कॉलिंग हो गई, जिससे नीचे बैठ गया। फ्री बोर्ड, हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर और जो ऊपर सुपरस्ट्रक्चर है उसके नीचे वाला हिस्सा, इस दरमियानी पोर्शन को हम फ्री बोर्ड कहते हैं। हेड रूम, जब गाड़ी हाईएस्ट गाड़ी जिस पर डिजाइन किया गया, इसकी छत से लेकर ऊपर से छत से लेकर ब्रिज के सुपरस्ट्रक्चर के नीचे वाला हिस्सा, इसके दरमियानी फासला हेड रूम कहलाता है। ये देखिए एक ब्रिज का स्केच आपको मैं बताता हूं। ये विंग वॉल है, विंग वॉल, ये बेड लेवल, पाइप्स बहुत गहराई तक जाती है, लेकिन यहां कटिंग ब्रेक लाइन से काट के दिखाया गया स्केच में, वरना तो ये नीचे जा रही होती। ये हाई फ्लड लेवल जिस पे ब्रिज डिजाइन किया गया, ये पियर्स, ये पाइप है, पियर्स, ट्रांजम, डेक, पैरापेट, ये सारी की सारी पैरापेट। और स्केच देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि आपके ये पाइप बोरिंग करके, हम जमीन में अक्सर बोरिंग करके क्रॉस करते हैं, या ड्रिवन भी हो सकती है, लेकिन आजकल जो रिवाज है क्रॉस इन सीचू और आरसीसी की पाइप हम लगा रहे हैं। इसके पाइप जब लग जाती है, इसके ऊपर पाइप कैप वगैरह कंस्ट्रक्शन करके लगाई जाती है। अब ये पियर्स, ये पियर आ गया ट्रांजम, और ये बीरिंग पैड, इसके ऊपर गर्डर्स लाइचिंग करके बकायदा ये उठा के यहाँ पे रखे जाते हैं,
इसके ऊपर डेक कंस्ट्रक्ट की जाती है, डेक के बाद फुटपाथ और पैरामिड। या आप देखिए ये फ्लक्स, यानी पानी इधर से आ रहा है, पानी ब्रिज के करीब आ गए, इसका लेवल बढ़ गया, ये इसका इफेक्ट भी दिखाया जा रहा है। ये सब स्ट्रक्चर्स पियर्स के नीचे नीचे जो आपको पहले बताया, और पियर से ऊपर ऊपर ये सारे का सारा हिस्सा ये सुपर स्ट्रक्चर कर रहा है। राना पानी जब कैचमेंट एरिया में, हिल एरिया में, जब बारिश होती है, जब वैसे किसी एरिया में, तो सारा कलेक्टिव कलेक्ट होके जब बहता है दरिया की नदी की शक्ल में, इसको हम राना आप कहते हैं। तो ब्रिज के लिए इसकी भी कैलकुलेशन जरूरी है। हायर फ्लड लेवल जिस पे डिजाइन किया गया, आमतौर पर 50 साल का डाटा, प्रीवियस डाटा इसको लेकर हम देखते हैं हाइट लेवल कितना, किसी ब्रिज के जो आप डिजाइन कर रहे हैं इस पर कितना है, उसी मुताबिक डिजाइन की जाएगी। फ्री बोर्ड का भी माध्यम रखा जाएगा। लोअर लेवल कम अज कम लेवल, जो ड्राई सीजन में सर्दियों में जो चलता रहता है, उसको लो वाटर लेवल कहते हैं। अच्छा इस स्केच में देखिए, ये क्लीनेस हॉरिजॉन्टल क्लीनेस या अंडरपास के केस में, ऐसे ब्रिजेस जहां अंडरपास हैं या रेलवे के लिए बनाए गए खासतौर अंडरपास के लिए, ये हॉरिजॉन्टल क्लीनेस और ये वर्टिकल क्लीनेस। ब्रिज के ऊपर वाला इससे जो ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर है, इससे लोएस्ट पोर्शन जहां से लेके रोड तक, ये क्लीनेस आमतौर पर 5 मीटर जो स्टैंडर्ड है ये रखी जाती है। 5.2 मीटर भी है आमतौर पर, 5 मीटर कम अज कम, और स्टैंडर्ड व्हीकल्स के लिए। अप्रोचेस ब्रिज जब शुरू होता है तो रोड से लेकर ब्रिज तक का दरमियान में जो पोर्शन बनता है, अक्सर हम साइड फिल करते हैं उसको प्रेस करते हैं कहते हैं, और जब ब्रिज एंड हो जाएगा उससे रोड लेवल तक, क्योंकि ब्रिज अक्सर ऊपर होती है, तो इस सारे हिस्से को हम अप्रोचेस कहते हैं। दाएं तरफ और बाएं तरफ ब्रिज के अप्रोचेस आएंगे। ट्रांजम हम पहले बता दिया, और हॉरिजॉन्टल बीम को हम ट्रांजम कहते हैं, पियर्स के ऊपर आमतौर पर बनाए जाते हैं। डायफ्राम गर्डल जो डाले गए आपने देखा था स्केच में, 5 गर्डल आपने दिखाए थे, तो उनको भी दरमियान में दरमियान में हम उसको आपस में जोड़ते हैं, इसको डायफ्राम कहते हैं। बताया एक दीवार या बीम की शक्ल, और जैसे जैसे ट्रांजम है इसी तरह 2 या 3 हम डायफ्राम भी बनाते हैं। क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन पियर की अंदर वाली साइड और इधर पियर के अंदर वाली साइड, या अपार्टमेंट और पियर के दरमियान फासला का क्लियर स्पैन। इफेक्टिव स्पैन पियर के सेंटर से लेकर और इधर भी पियर के सेंटर टू सेंटर आप पियर या अपार्टमेंट और पियर के दरमियान फासला इफेक्टिव स्पैन कहलाता है। इकोनॉमिक स्पैन ब्रिज ऐसा डिजाइन किया जाए कि खर्चा कम आए, तो इसके लिए आमतौर पर ये देखा जाता है कि फाउंडेशन से ज्यादा खर्चा ना आए, और इसी तरह हमारे जो ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर है गर्डर बहुत ज्यादा स्पैन रखेंगे तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो कोशिश की जाती है कि सुपर स्ट्रक्चर का खर्चा एक स्पैन के लिए और इसी तरह फाउंडेशन का खर्चा तकरीबन बराबर सेम सेम हो जाए, तो ऐसा ब्रिज इकोनॉमिकल कहलाता है। फुट ब्रिज पैदल वालों के लिए, जानवरों के लिए, मोटरसाइकिल साइकिल के लिए जो ब्रिज बनाया जाता है रोड को क्रॉस करने के लिए, फुट ब्रिज कहते हैं। अंडरपास अगर रोड के नीचे से रास्ता बनाया जाए तो उसको अंडरपास कहते हैं, जैसे हमारे पिंडी में कमेटी चौक पर है, और ये जहां पे समाज है इस पे भी एक अंडरपास मुख्तलिफ जगहों पे ये आप देख सकते हैं। फ्लाईओवर ब्रिज ये रोड के ऊपर से जो एक ब्रिज बनाया जाए रोड को ही गुजारने के लिए, उसको फ्लाईओवर कहते हैं। ओवर ब्रिज आमतौर पर जो रेलवे के लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं उसको हम ओवर ब्रिज कहते हैं, रेलवे को क्रॉस करने के लिए रोड ऊपर से जो ब्रिज बनेगा। इंटरचेंज ये ट्रांसपोर्टेशन की टर्म है कि जब क्रॉसिंग पे जब रोड आपस में मिलती हैं तो उस जगह पे इंटरचेंज बनते हैं, ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, कभी 2 लेवल इंटरचेंज, कभी 3, यानी ब्रिजेस एक ब्रिज बन रही है ज्यादा रोड फिर वो रोड, तो इसको हम इंटरचेंज कहते हैं। डेक ब्रिज जब ट्रक के ऊपर ऊपर ट्रक वाला हो या पार्क है जो, तो बिल्कुल इसके टॉप पर ये आपको बताता हूं ये डेक बनाएगी, तो ऐसे ब्रिज को हम कहते हैं डेक ब्रिज कि जब सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर जाके डेक बनाएंगे। थ्रू ब्रिज ऐसा ब्रिज जिसमें डेक सुपर स्ट्रक्चर, ये देखिए ये सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर के निचले पोर्शन पे अगर डेक बनाई जाए तो इसको हम
ऐसे ब्रिज को थ्रू ब्रिज कहते हैं। ऐसा ब्रिज जिसमें ना डेक ऊपर बनाई जाए ना नीचे वाले पोर्शन दरमियान में किसी जगह इंटरमीडिएट लोकेशन पर डेक बना दी जाए तो सेमी थ्रू ब्रिज कहते हैं। कर्टेन वाल अक्सर टो वाल के लिए ये टो वाल या बेवल वाल भी हम कह देते हैं या ड्रॉ वाल भी कहते हैं और कर्टेन वाल भी कहते हैं। ये कार्वे के दोनों तरफ स्कारों से बचाने के लिए कार्वे को कर्टेन वाल बनाई जाती है जहां पे और भी केंद्र हो तो वहां भी बन सकती है। वाटर वे पानी की वेट जो ब्रिज के करीब आ गए पानी कितनी चौड़ाई है हम डिजाइनिंग में ये चीज देखी जाती है जिसको वाटर वे कहते हैं। कर्व फुटपाथ ब्रिज के ऊपर जो बनेगा उसके एज पे फुटपाथ के एज पे जो हम बनाएंगे इसको हम कर्व कहते हैं। ताकि कर्व इसलिए बनाए जाते हैं गाड़ियां फुटपाथ पर ना चले पैदल वालों को कोई लाभ ना हो तो ये किस्म की एज लाइन हो जाती है गाड़ी व्हीकल के लिए गाड़ी लाइन बन जाती है। तो आज इसके साथ ही अजीत भरवाल लेक्चर का एंड करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा अगले लेक्चर में आपके हाजिर देंगे इंशाल्लाह।